क्वेश्चन नंबर टू देखिए, कह रहा है निम्नलिखित के मुख्य मान निकालें, यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। पिछले में कह रहा था मान निकाले और यहाँ मुख्य मान, दोनों एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है। इसके भी आपको वैल्यूज ही निकालना है, तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू अभी आपको निकालना सिखा देना क्वेश्चन नंबर वन में, सेम टू सेम वही है, आप जो मैथड आसान लगे उससे बनाना। पहला ही देखो ना, लिखेंगे वी नो दैट द प्रिंसिपल प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ब्रांच सॉरी ब्रांच ऑफ टैन इनवर्स इज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, लेट टैन इनवर्स रूट थ्री इक्वल टू थीटा, यहां से आपका हो जाएगा टैन थीटा इक्वल टू रूट थ्री। अब टैन में रूट थ्री कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो टैन 60 डिग्री एंड टैन पाई बाई थ्री का। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि पाई बाई थ्री जो है ना बिलोंग कर रहा है आपके माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच, बिलोंग कर रहा है ना इसके बीच, दैट मीन्स यहाँ कह सकते हैं थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री। तो यही आपका प्रिंसिपल ब्रांच हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। हेंस द प्रिंसिपल प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स रूट थ्री इज पाई बाई थ्री। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया था ना उसी तरीके से ये है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है वो भी लगा सकते हैं आप।